है मेरे दिल, ना फिर किसी से इश्क कर, ऐ मेरे दिल, ना उस गली से फिर गुजर बहुत बढ़िया। रोता छोड़ गया क्या बात है। है मेरे दिल तू हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज एक म्यूजिकल सा एक मैं आपके लिए आज एक परफॉर्मेंस लेके आया हूँ। मेरे साथ जुड़ गए हैं म्यूजिक की दुनिया के दो ऐसे दिग्गज, एक हैं जीत गांगुली दादा, जिनको मैंने अभी बताया कि मैंने इनका गाना 2000 में सुना था, इनका फर्स्ट गाना, यू नो वो फिल्म थी दिल धपाक, वो गाना था। उसके बाद इन्होंने इतने सारे गाने, अब तो मतलब हम गिनाने बैठ जाए तो पूरी शाम बीत जाए। और मेरे साथ अबे जोधपुरकर, जिनके आई थिंक आप शाहरुख खान का वो गाना आपको याद हो, जब तक जहां में, तो ऐसे अबे के गाने भी जहां में छाए हुए हैं। तो अभी जीत और अभय ने मिलकर एक नया गाना रिलीज किया है, जिसमें हमारे टीवी के कुछ दोस्त हैं, तेजस्वी मेरी पहुंची दोस्त और शहीद शेख, टेलीविजन की दुनिया के दो बड़े नाम, लेकिन उसके पीछे गाना कैसे बना, क्या मजेदार बातें थी आज हम करेंगे। तो वेलकम जीत दादा, अभय हमारे शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी जी जी, आपको भी, दोनों को। इस बार सब कुछ बदला बदला सा है, लॉकडाउन के कारण चीजें थोड़ी माहौल जो है। एग्जैक्टली जी दादा, सब माता रानी का आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। जी जी जी, ये उम्मीद रखते हैं। ये दुर्गा पूजा भी आ रही है, तो दुर्गा पूजा पे क्या गिफ्ट, नया गाना लेकर आए हैं, थोड़ा बताएं इस बारे में। हाँ जी, सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ वायरल म्यूजिक को, जिन्होंने आज देखिए अमित, एक्चुअली इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है, नॉन फिल्म म्यूजिक, वो आज एक ऐसा मुकाम में पहुंच गया, बहुत अच्छा जगह में पहुंच गया। इसमें वायरल म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है। जब मुझे वायरल से फोन आया था, विनीत गौरव का फोन आया को, दादा एक गाना आप बनाइए। मैंने पूछा कि कैसा गाना चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा कि सैड पैशनेट रोमांटिक। ये सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें सैडनेस है, जिस गाने में, उसमें गहराई होते हैं बहुत, जो अगर दिलों में चोट पहुंचता है ना, तो गहराई जो है, कोई शायर है, कोई कंपोजर है, कोई सिंगर है, वो और भी दिल से करते हैं। और एक्चुअली हम दिल को बहुत दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जब चोट पहुंचता है, चोट लगता है, तो बहुत दुख लगता है। तो ये मैं ये सोच के मैं हाथ में गिटार लिया और ऐसा एक गाना, मतलब दरा रा दरा रा दरा रा दरा रा दरा रा दरा रा दरा रा, ये पूरा मुखड़ा शुरू करके, थैंक यू, ये मुखड़ा शुरू करने के बाद मैंने पहले भेजा अपना प्यारा सा दोस्त और वन एंड ओनली मनोज मुंतशिर, हम सब जानते हैं उनको, कितना अच्छा राइटर है वो जी। और उन्होंने जब मुखड़ा हमको भेजा लिख के जी। और मुझे ऐसा मैंने महसूस किया कि अभी मिलना चाहिए। एक्चुअली अगर ये पेंडेमिक नहीं होता तो हम मिल लेते उनको। मैंने फोन करके बताया कि मनोज, अब अगर आपके पास में जाना
मैं जा पाता तो आपका दोनों हाथ में चूम लेता, ऐसा मुखड़ा उन्होंने लिख के दिया है। एक्चुअली एक लाइन में अगर समाप्त करे तो ऐसा है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहते हैं। जी जी। तो उन्होंने जब मुखड़ा भेजा है और क्रॉस लाइन मुझे भेजा है, इतना अच्छा उन्होंने लिखा है जी। तो मैंने ये मुखड़ा गा के फिर विनीत, गौरव, साजिद इनको भेजा वायरल में और उनको बहुत अच्छा लगा। फिर आया अब गाएंगे कौन, सिंगर कौन होंगे, तो मैं सुनना चालू किया कि कौन सिंगर हो सकता है। मैं बहुत सुना ये गाना, एक्चुअली जो है सोलफुल नंबर है जिनमें पैशन है। और एक चीज हमेशा हम कहते हैं जब स्टूडियो में होता है, जब सिंगर आते हैं गाने के लिए, तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा आत्मा और दे दे भाई, थोड़ा सा आत्मा और चाहिए गाने में। जी। तो मैंने सोचा और सुना अभय को, अभय जोधपुरकर जो हमारे साथ है आज, गॉड ब्लेस यू अभय। और ये लड़का जो है अमित, ये बहुत आगे बढ़ेगा। आई एम श्योर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, 25 years हो गया इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन इनका जो आवाज है, हम हमेशा ढूंढते हैं कि टेक्सचर ढूंढते हैं नया आवाज क्या है, ये ढूंढते हैं, लेकिन सोल मतलब आत्मा जो है ना जी, ये ढूंढते नहीं है। लेकिन आप जब माइक में आते हो गाने के लिए तो वो आत्मा आपको दिखाई देते हैं, वो धुन जो अंदर से वो सिंगर गाते हैं वो सुनाई देता है वो। जी दादा, तो अभय में वो बात है, तारीफें हो रही हैं अभय, तो क्या कहेंगे, मतलब क्या मतलब इतनी so तारीफ कर रहे हैं अभय। First of all, thank you so much for having me on the show. और actually मेरा इंटरनेट बीच में थोड़ा कट हो रहा था इसलिए मैं सुन नहीं पाया, but thank you for the wonderful introduction. और मैं यही कहना चाहूंगा कि जीत दादा मतलब मेरे लिए मतलब एक देव समान, you know, जो ईश्वर प्राणी जो होते हैं, you know, ईश्वर के बंदे जो होते हैं उनमें से एक हैं, और उनका म्यूजिक हमेशा और बहुत उसको रिस्पेक्ट किया है। और सर ने जैसे सोल की बात कर रहे थे सर की, मतलब योर सोल नीड्स टू बी प्योर, नहीं तो आपको आपके गाने में, आपकी कंपोजिशन में, आपके आर्ट फॉर्म में वो उतर के नहीं आएगा और लोगों से कनेक्ट नहीं करेगा। वेरी ट्रू। एंड आई थिंक सॉन्ग हैड सो मच ऑफ सोल इन इट ऑलरेडी। जब दादा की कंपोजिशन मैंने सुनी तभी मेरा मतलब दिल ऐसे पिघल गया था, और फिर लिरिक्स आने के बाद तो और मजा आ गया। मनोज सर के लिरिक्स बहुत ही प्यारे लिखे, और फिर जब फाइनली मैंने गाना शुरू किया था, में दादा से मेरी बात हुई थी और मैंने इनफैक्ट दादा को बोला भी था कि दादा ये बहुत पर्सनल गाना हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मतलब ऑफकोर्स हार्ट ब्रेक से हम सभी गुजरते हैं आर्टिस्ट, और हमारा सबका दिल तोड़ा गया है, यू नो, इन आवर जर्नीज, दैट्स व्हाट मेक्स अस अ ग्रेट आर्टिस्ट। बट इन द होल प्रोसेस यू फील लाइक कि मेरे से बहुत पर्सनल हो गया है प्रोजेक्ट, और इसीलिए वो इतनी ऑनेस्टी उतर के आई है उस गाने में, और सारी दिल से फीलिंग मैंने कोशिश की है कि मैं उनके प्रति ट्रू रहूं। और मैं इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि दादा के साथ मेरा एक गाना साथ में आया है, हम दोनों के नाम साथ में जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच दादा फॉर कंसीडरिंग मी कि मैं आपके गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू दे सकता हूं, एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू दादा, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स, इट मींस द वर्ल्ड टू मी। अरे गॉड ब्लेस यू, साथ हैं तो आज हो जाए, यही वही गाना मैं चाहता हूं आप दोनों हमारे लिए भी रिक्रिएट करें। एब्सोल्युटली, हां जी, हां जी, जरूर, मैं ई माइनर देता हूं अभय जी। सर या सर, बट एक रिक्वेस्ट है, पहली चार लाइंस आप ही गाइए। ए तू गाना मेरे साथ गा। जी दादा। ऐ मेरे दिल, ना फिर किसी से इश्क करूं, ऐ मेरे दिल, ना उस गली से दिल गुजर, छोड़ा गया दीवाने, अब मेरे करेक्ट।
क्या बात है, है मेरे दिल तू बहुत बढ़िया रियल लाइफ में भी कि तुम इतने रोमांटिक हो हमेशा, जो सिंगर्स होते हैं हमेशा उनकी आवाज सुनती है तो कहते हैं ना कि मतलब क्या जैसे किशोर किशोर जाते हो वो वैसे ही इतने मस्ती करते तो गानों में मस्ती थी, तो तुम इतने रोमांटिक ही हो रियल लाइफ में, इस रोमांटिक गाने दिल से गाते। I mean, I shouldn't be saying it, but हाँ, मेरे पार्टनर्स ने मुझे बोला है, दोस्तों ने बोला है कि तू काफी रोमांटिक है और बस मौका कम मिलता है रोमांटिक होने के लिए तो हम गानों में रोमांटिक हो जाते हैं। तो या थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जी जी दादा, क्योंकि आप भी रोमांटिक होगे तभी अंदर से निकलता है गाने आपका। देखिए एक्चुअली हम जो होता है कि हमारे हमारे पास जब सिचुएशन आता है ना गाना बनाने के लिए कि दादा धुन ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मैं सिचुएशन के लिए ये मैं कर लेता हूँ कि अपना जैसा ये जो गाना है सोलफुल सैड नंबर, तो थोड़ा सैड हो जाता है एक्चुअली जब गिटार हाथ में लेता है तो इमोशंस आ जाते हैं, जब डांस नंबर करते हैं तो डांस नंबर जैसा वो मस्ती हो जाता है यू नो। और हमेशा एक चीज मैं कहता हूँ कि धुन कहाँ से आते हैं वो हमको पता नहीं है जी। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि हम गिटार लेके बैठे हैं कि 10 गाना निकल के आया या पियानो लेके बैठा है कि गाना आ गया जी, जी, गाना एक्चुअली ये संयोग होता है और ईश्वर की देन। आई बिलीव हाँ ऊपर वाला का ईश्वर का दीन है कि हम बोल नहीं सकते ये गाना भी है जो हम अभय अभी गा रहे सुना रहे, ये ऊपर वाला का आशीर्वाद है, हम ये बिलीव करते हैं हमेशा। तो अब कब गाना बन पाएंगे, कौन सा गाना हिट होगा, कौन सा गाना आपका दिल में छुपे जाएगा, वो हम जानते नहीं, हम जो सब सिर्फ काम करते हैं, काम करते जाते हैं यू नो। बिल्कुल दिस इज द मेन थिंग। तो ये बिल्कुल मैं भी ये मानता हूँ कि ये ईश्वर की ब्लेसिंग है कि जो है। मेरी आवाज भी है जो आई थिंक इट्स अ गिफ्टेड वॉइस और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आर्ट को बस लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, बाकी तो सब ऊपर वाले का ही दिया हुआ है, मैं ये मानता हूँ और आई टोटली अग्री विद दादा। और आपने जो बोल रहे थे कि हाँ सैड भी होना बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट को, क्योंकि नहीं तो फिर वो सैडनेस सही सच में अच्छे से निकल के नहीं आती, इसलिए हमारी तो शुरू में मैंने कहा ना सैडनेस हैप्पीनेस तो रोलर कोस्टर तो इट ऑल कम्स आउट इन आवर सॉन्ग्स। और सैड में जो गहराई है वो कहीं पे नहीं है तो वो सैडनेस अगर आ भी जाए तो वो भी ब्लेसिंग्स होता है हमारे लिए, वो सैडनेस अगर आ जाता है तो ब्लेसिंग्स होता है जी 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 बिल्कुल हमें वो इंस्पायर करता है। अब मैं बात करता हूँ कि इस गाने exactly. इस गाने को जिसने पेश किया है जो म्यूजिक वीडियो है उसमें टीवी की दुनिया के दो बहुत पॉपुलर एक्टर हैं, शहीर बहुत पॉपुलर है अपने सीरियल से अपने शोज से और तेजस्वी भी काफी ये वो है, तेजस्वी को मैंने भी अपने एक शो में डायरेक्ट किया है। सो आपको क्या लगा, कैसा परफॉर्मेंस लगा आपको शहीर और तेजस्वी की जोड़ी का, जब गाना कम्प्लीट हुआ, अभय ने जब गाना कम्प्लीट किया हम लोग जो उसके बाद जो प्रोसेस होता है मिक्सिंग और म्यूजिशियंस लाइव म्यूजिक जो है म्यूजिशियंस आके बजाए गाना और मिक्सिंग हो गया, फिर अभी बारी आया शूट का जी। तो वायरल म्यूजिक का एक बहुत ही अच्छा मैंने देखा, उनका जो तहजीब है उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, जो उनको मैंने कहा उनको भी कहा कि मैं इतना साल काम कर रहा हूँ लेकिन नॉन फिल्म म्यूजिक लेके इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेके इतना सोचता है गाना लेके एंड दे आर सो म्यूजिकल ऑल्सो एंड डिसिप्लिन, तो वीडियो भी क्या बनेगा क्या है, हम अभय सब मनोज हम साथ में थे और हमको भी पूछा गया कि क्या होना चाहिए, तो मैंने ये चीज देख के मैं खुश हो गया कि चलो ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक इसलिए आगे बढ़ रहा है कि वायरल जैसा इंस्टीट्यूशन है यू नो। तो उसके बाद जो कॉन्सर्ट मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गाने के लिए
और लिरिक्स के लिए जो होना चाहिए और अभय का जो वॉयस है, ये सब मिलके जो टीम वर्क म्यूजिकली जो काम किया टीम वर्क, अभी वीडियो के लिए जो टीम काम कर रहा है, आई एम श्योर ये अच्छा ही होगा। तो वीडियो जब आया हमारे पास, दोनों ने, तीनों ने एक्चुअली कमाल काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। बात कर रहे हैं, आई एम श्योर आदिल, हाँ आदिल मेरे लिए बहुत सारा काम किया भी है, हम दोनों बंगाली भी गाना भी किया है साथ में, है ना, तो एक एसोसिएशन तो था ही। तो जब वीडियो मैंने देखा तो रियली जब मुखड़ा शुरू हुआ, इतना इमोशनल वीडियो बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे और अभाई, अभाई तो देखा ही है जी, अभाई बताएंगे। हाँ नहीं स्पेशली, बिल्कुल मैं एब्सोल्युटली अग्री विद व्हाट दादा सेड, और आदिल को स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम कि जो गाने की जो रूह है उसने उसको मतलब यू नो आई थिंक कैमरे पे उतार लिया है, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ यू नो गुड करेज टू डू दैट एंड आल्सो डू जस्टिस टू द कंपोजिशन लिरिक्स ऑल द सिंगिंग एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक इट्स वंडरफुली डन, और बोथ द एक्टर्स हैड डन अ फिनोमिनल जॉब। ऑफ कोर्स उनके बाकी टीवी शोज वगैरह परफॉर्मेंसेस भी मैंने देखे हैं, so they are very seasoned actors and bahut acha kaam kiya unhone, and kudos to the entire team for pulling it off, as dada said ki universal music ki team ke har ek members hamare sath constantly touch mein the, aur is gaane ke puri process mein jab matlab hum we were part of every conversation and everything was planned on the same page, everyone was on the same page, which is incredible. I think aaj ke zamane mein itna creative freedom milna aur artist ki qadr karna ye bahut important hai, or these correct, people have correct. proved themselves to be outstanding at that, and we had a wonderful time. In fact we have become like a family, you know, Zoom calls pe bhi hamari baatein are more like on personal levels, and it's beautiful the kind of connect we have found with each other, so I think it's great, aur ye gaane ke zariye hum sab as a family ban gaye hain, aur abhi gaana bahut pyar mil raha hai already, matlab main Instagram pe dekh hi raha tha, aur I'm not able to repost all the stories, you know, itni sari tag kar rahe hain aur people are loving it. So I'm glad कि finally हमारी मेहनत रंग लाई। अभी मैं थोड़ा सा एक आपसे अलग सवाल पूछना चाहूंगा, ये हमेशा मुझे डिस्टर्ब करता है, हमारा इतना बड़ा लेगेसी है म्यूजिक का, लेकिन क्यों आजकल ओरिजिनल गाने इतने कम बन रहे हैं? आप दोनों से ही जानना चाहूंगा, क्या खत्म हो गई क्रिएटिविटी, क्यों पुराने गाने वही रिहैश हो रहे हैं 20 साल पहले के, क्या है वजह, क्या हमारी अंदर की प्रॉब्लम है? I'll tell you what the problem is, कि जिन लोगों के पास, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके पास पैसे की कमी है, और उनको जो काम बताया जा रहा है उनको वो करना पड़ रहा है, इसलिए दे कांट हैव अ से ऑन दैट, एंड द पीपल हु हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट इट वेल, बिकॉज ऑल दे केयर अबाउट इज मेकिंग द नंबर्स एंड यू नो सक्सेस ऑफ द सॉन्ग, बट दे यू नो वो जो क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है गाने का उसमें उनका फोकस थोड़ा कम हो गया, दे आर बीइंग लेजी, सो इट्स ऑलवेज इजी टू यू नो लाइक मेक अ रीमिक्स एंड यू नो हैव अ रिकलेक्ट वैल्यू फॉर पीपल, बिकॉज गाना तो चलेगा क्योंकि लोगों को पता है, सो दे आर जस्ट बीइंग लेजी विद दैट। I think it's a lack of you know wanting to be dedicated towards your work, and it's all the same, but very few people are actually doing great work and they're standing up for it, they're demanding funds, and hopefully and thankfully they're getting it. This project is a very good example of that, you know, so aise kaam hona chahiye. Agar aap artists ko wo utna samman ya respect nahi dein aur freedom nahi dein to aapka kaam itna acha nahi ho sakta jitna wo hona chahiye. So that's another problem. It's a very big conversation, but this is what I can give you as a sum up. But I hope you your question is answered. Yes, yes. जी दादा आप कुछ बोलेंगे? Yeah, yeah. First of all, it's a very good question, Amit. Yeah. आज के दिन में हमारा बहुत अच्छा चीज आपने पूछा है। हमारी धरोहर है, तो हम क्या खत्म हो गए आजकल की जनरेशन को बनाने नहीं आते? मतलब ऐसा लगता है। हाँ, मैं exactly अमित, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए गाने बनना चाहिए, क्योंकि जो नए कलाकार जो आ रहा है, कलाकार जितने आ रहा है, सिंगर्स हो, कंपोजर्स हो, लिरिसिस्ट हो, इनको क्या मिलेगा? इनके पास भी खजाना है, लेकिन मैं मिलता हूँ, हमेशा मिलता हूँ सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, कितना टैलेंटेड बंदा सब आ रहा है, मतलब टैलेंट का कमी नहीं है, लेकिन नया गाना क्यों नहीं बनेगा, मेरा ये क्वेश्चन है। मैं सबको बोलता हूँ कि नया गाना ही बनेगा, जो पुराना गाना है डेफिनेटली हम उसको उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वहां पे हम रोक नहीं जाएंगे, हम नया गाना बनाते रहेंगे। अभी आज देखिए,
हम बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड था, वो टाइम था 70s 80s गोल्डन पीरियड था, 60s म्यूजिकली गोल्डन पीरियड था, लेकिन इसको इनको भी 2000 को भी आप टाइम दीजिए, तब जाके 2020 को आप टाइम दीजिए, तब जाके 2030 में आप बोल पाएंगे ये गाना होता था उस टाइम। हो सकता है हमारा भी कुछ गाना आ जाए कि ये गाना बहुत अच्छा था, वो गोल्डन पीरियड था, यू नो जी बिल्कुल। तो हमेशा नया बनाना चाहिए गाना जी। और एक चीज आप देखना, जो रिमिक्स होता है गाना जब होता है, तो गाना जो पहले जैसा एस डी बर्मन साहब का गाना, आर डी बर्मन साहब का गाना, मदन मोहन साहब का गाना, ये गाना कुछ गाना है उनको टच नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर अभय भी यही बताएंगे कि कुछ गाना होता है वहां पे जो म्यूजिक है, जैसा चुरा लिया पंचम का गाना, उसमें गिटार पार्ट जो है तंग तंग तरंग तंग, ये छोड़ के गाना नहीं होगा। ये लोगों का दिमाग में ध्यान में ये चीज है जी। तो ये अगर आप चेंज कर देंगे, ये अगर चेंज कर देंगे तो नहीं होगा जी। हाँ कुछ गाना है बना है अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा आप चेंज करोगे कुछ करोगे तो वो रूह निकल जाएगा। जो कंपोजर बनाए थे और जो लिरिसिस्ट लिखे थे, जिसमें जो अरेंजर थे, जो अरेंजमेंट किया है, यू नो, उन्होंने एकदम दिल छू लिया था उस टाइम जो बनाया। बिल्कुल तो दोबारा वो चीज ऐड करना चाहूंगा कि आफ्टर दादा यू फिनिश हाँ। तो ये बात यही होता है कि अभी नया गाना जब होगा, नया जर्नी शुरू होता है एक एक गाना। जैसा हमारा ये गाना ऐ मेरे दिल, इसमें भी एक बहुत अच्छा जर्नी है जो हमको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। और हमेशा नया कलाकार आना चाहिए, जैसा इंडस्ट्री में नया कलाकार आता है, नया गाना भी बनना चाहिए। कि जब कोई गाना कंपोज किया जाता है, वो इसेंशियली किसी सिचुएशन के लिए एक उसमें रूह होती है, जो कि जब कंपोजर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, एक्टर्स, ये सब मिलके जब एक किसी अच्छे कंटेंट बनाने जाते हैं, उसके लिए एक 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 ऐसा यूनिफिकेशन है जो कि इट्स ऑलमोस्ट सो प्योर कि आप उसको टच अगर नहीं ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपोजर अपनी जान लगा देते हैं उसमें, यू नो, मेलोडी, और सालों लग जाते हैं वो गाने को फाइनली अपने शेप अप, अपने फुल रूप में आने के लिए। और फिर आप उसको उठा के एक ऐसे ही दिन, यू नो, फॉर एग्जांपल मसक कली का आप उठा के कवर बना देते हैं और यू जस्ट प्ले विद इट और आप उसके कचरे कर देते हैं, तो आई थिंक दैट्स वेरी ऑफेंसिव। यू शुड रिस्पेक्ट द कंपोजर्स स्टैचर एंड द काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क दे हैव डन। दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द कंपोजर्स कि आप उनका बस जो काम छीन के उसको being lazy ones, you just remix the shit out of it and you put it out there. And it's very offensive. I think रहमान सर ने भी एक पोस्ट शेयर किया था इस बारे में कि उनको अपना गुस्सा वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, लेकिन करना पड़ेगा because these people won't get away with it. So I won't stop doing that. So I think people should be considerate and they should be respectful of other people's art. You shouldn't steal or you shouldn't be lazy about creating work. Stop doing remixes, please. I mean, this is a heartfelt shout out to everyone who's out there, you know. 100% जी जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये नई शुरुआत की है, हमें और ओरिजिनल गाने मिले। आई थिंक लॉकडाउन मौका था और आई थिंक कंपोजर्स के लिए, सिंगर्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट आप दोनों को, और मैं अगले आपके एल्बम। थैंक यू सो मच अमित। अभय अंजीत दादा, ऑलवेज अ प्लेजर एंड हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू अमित, एंड होप दुआ करे आपके हमेशा कृपा बरसा के रखे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।